दोस्तों, ऐसे सवाल आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पतियों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज के ज़माने के अंदर लगभग हर एक पत्नी पढ़ी लिखी होती है, प्रोफेशनल डिग्री हर एक पत्नी के पास में होती है, और फिर भी अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है तो उस पत्नी के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया जाता है, और ऐसी पत्नी का भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बना दिया जाता है। तो ऐसे में पति लोगों का ये पूछना होता है कि जब वो पत्नी पढ़ी लिखी है तब भी उसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए, उसको खुद जॉब करना चाहिए, खुद कमा के खाना चाहिए। तो बिल्कुल ये ऐसा ही फैसला है जो लेटेस्ट अभी की अभी आया है, और इसका पूरा फायदा अब हर एक पति को मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस मामले के अंदर ऐसा होता है, दोनों ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, और वो दुबई के अंदर साथ में जॉब कर रहे होते हैं। ऐसे में दोनों पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और पत्नी क्या करती है, इंडिया के अंदर आ जाती है पति को छोड़ के, और पत्नी के द्वारा इंडिया के फैमिली कोर्ट से 125 CRPC का मेंटेनेंस का केस पति से मेंटेनेंस लेने के लिए फाइल कर दिया जाता है। अब फैमिली कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, पति की दुबई के अंदर इनकम को देखते हुए पत्नी का 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस बना दिया जाता है, कि पति अपनी पत्नी को 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस देंगे। अब पति इस ऑर्डर से नाराज होते हैं। पति ये बोलते हैं कि जब ये पत्नी खुद वेल एजुकेटेड है, ये मेरे साथ में दुबई के अंदर जॉब कर रही थी और अभी मेंटेनेंस लेने के लिए ऐसा बोल रही है, ये मेरे से मेंटेनेंस बिना वजह लेना चाहती है, ये खुद कमा के खा सकती है, तो ऐसे में फिर इसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए। तो पति के द्वारा इसकी क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है, और दूसरा पत्नी के द्वारा भी एक क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है, कि जब पति इतना पैसा दुबई के अंदर कमा रहे हैं, उनकी जब इतनी अधिक इनकम है, तो फिर मेरे को ये मात्र 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही क्यों मिल रहे हैं, ज़्यादा मिलने चाहिए। तो इस वजह से पत्नी इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करती है। अब दोनों मामलों की जब सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर स्टार्ट होती है, तो पति साइड से भी वहाँ पे बात रखी जाती है, तो पत्नी साइड से भी वहाँ पे बात रखी जाती है। तो पति का तो ये कहना होता है कि इस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, खुद कमा के खा सकती है, खुद पढ़ी लिखी है, और पत्नी का ये कहना होता है कि पति ज़्यादा कमा रहे हैं तो मेरा भी ज़्यादा मेंटेनेंस होना चाहिए, केवल 60,000 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा। तो इस पूरे मामले को सुनने और देखने के बाद में इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी होती है। तो इसमें पहले टिप्पणी तो ये होती है कि किसी पढ़े लिखे इंसान का मेंटेनेंस के भरोसे खाली बैठे रहना ठीक नहीं है। दूसरी टिप्पणी ये होती है कि 125 CRPC के कानून का गठन ऐसी फौज तैयार करने के लिए नहीं किया गया है कि वो कमाने में सक्षम रहते हुए भी मेंटेनेंस के भरोसे खाली बैठे रहें। और तीसरी सबसे बड़ी टिप्पणी इस मामले के ऊपर की जाती है कि जो महिला कमा सकती है, कमाने में सक्षम है, वो कमा के खा सकती है। तो ये तीन बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा करने के बाद में इस मामले के ऊपर फाइनली रिजल्ट दिया जाता है। पति के ऊपर जो 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस लगा था, उसको घटाकर 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस को कर दिया जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए पत्नी के पास में जॉब नहीं था। तो दोस्तों, इस मामले के अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली पत्नी को ये बता दिया है कि खाली बैठे रहना ठीक नहीं है, अगर पढ़ी लिखी है तो खुद को कमा के खाना चाहिए। तो इस मैटर में, फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।